करना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी के शुरुआती दो दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म ने अपने शुरुआती दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर से टोटल कितने रुपये की कमाई कर ली है। और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे कि इस फिल्म का बजट कितना है, और अगर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फ्लैग लेना है तो इस फिल्म को कम से भी कम कितने रुपये की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि एक आउट एंड आउट कम्प्लीटली एक्शन पैक्ड फिलम है, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रही हैं आलिया भट्ट और मास महाराजा अजय देवगन और विजय राज। वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने। बात करें दोस्तों इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का जो टोटल बजट रखा गया है वो रखा गया है लगभग 150 करोड़ रुपये का, जिसमें इस फिल्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रमोशन दोनों का खर्च शामिल है। बात करें दोस्तों इस फिल्म को कितने स्क्रीन मिले हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को जो है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले दिन पर स्टार्ट लिया है उसे देखते हुए लग रहा है कि गंगूबाई काठियावाड़ी बॉक्स ऑफिस पर से एक अच्छी खासी कमाई कर सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा रुपए का कलेक्शन करके दिखाया है वो इस टाइम पर काफी एक अच्छी गुड न्यूज मानी जा रही है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि उम्मीद की जा रही थी कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म अपने पहले दिन लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की कमाई करेगी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने पहले दिन के कलेक्शन से यहां पर काफी सारे लोगों को जो है पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म ने अपने पहले दिन टोटल कमाई करी है लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए की। जी हां दोस्तों आपको बता दूं कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के पहले दिन का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो रहा लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए का। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूं कि दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में हमें एक जंप देखने को मिल रहा है, और यह फिल्म अपने पहले दिन से लगभग 25% जो है ज्यादा कमाई करती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो यह फिल्म अपने दूसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 13 करोड़ रुपए की रेंज में। जी हां दोस्तों अगर यह फिल्म अपने दूसरे दिन लगभग 13 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन कर लेती है तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का शुरुआती दो दिनों का जो टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो रहा है लगभग 23.5 करोड़ रुपए का। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो वीकेंड का कलेक्शन है यानी कि शुरुआती तीन दिनों का कलेक्शन वो लगभग 38 करोड़ रुपए की रेंज में हो सकता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि अगर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होना है तो इस फिल्म को जो है कम से भी कम लगभग 110 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा। हालांकि दोस्तों अगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है या फ्लॉप ये तो आने वाले समय में हमें पता चली जाएगा, लेकिन आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप, हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों यही बताएं कि इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितने रुपए का हो सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।